हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी, और फिजिक्स में जैसा कि आपको पता है कि आपका एक दिन छोड़ के पेपर है, तो पेपर की तैयारी कराएंगे और लेसन वन से लेकर आने वाले सभी चैप्टरों की तैयारी कराएंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन वन की, फुल रिवीजन करेंगे, राइट। तो लेसन वन देखो, फिजिक्स में हर चैप्टर से क्या चीज़ होती है आपको पता ही है कि थ्योरी होती है, डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पूरे के पूरे 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज एक मैंने दे दी पूरी बुक से, 100 न्यूमेरिकल्स मैंने पहले ही करा दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लेना। 100 न्यूमेरिकल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, तो वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है, इनको देख लेना। बात रही थ्योरी और डेरिवेशन की, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी थ्योरी की, और डेरिवेशन भी मैंने पहले करा दिए हैं लेसन वन के, लेकिन फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको डेरिवेशन का, पहले चैप्टर के डेरिवेशन का भी वीडियो बना दूंगा, यानी कि चार डेरिवेशन है पहले चैप्टर से, उन चारों का डेरिवेशन वीडियो में बना दूंगा आपको, राइट। चलिए तो अब थ्योरी कर लेते हैं। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है कि भैया वैद्युत क्षेत्र क्या है, क्या पूछा है, पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक। थ्योरी आपको दिखाई दे रही होगी, किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय, आवेश का मतलब क्या, देखिए ये कोई आवेश है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर दूसरा आवेश लेकर आए तो उस पर आकर्षण लगेगा या विद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, समझ में आई बात। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आग जल रही है, आग जल रही है, तो आपका ऐसा कुछ ना कुछ क्षेत्र तो होगा जहाँ पर हमें तपन महसूस होगी, तो वही आपका क्षेत्र है। तो वही ये किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, अर्थात वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। डिस्प्ले पर थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, थ्योरी क्लियर होगी, क्या है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव होता है या वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, राइट। वैद्युत बल का सीधे सीधे लिख दो, वैद्युत बल का मतलब क्या है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, राइट। चलिएगा, तो इसको ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सूत्र मात्रक विमा लिखिए। अब आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है, इससे ही परिभाषा बनेगी। क्या है, देखो जो नीचे होता है उसको हम एकांक बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगेगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या, जल्दी से सुन लीजिए, देखो सुनने से ही पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। क्या है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, राइट। तो इसी में देखिए लिखा हुआ है एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र E बराबर F अपॉन Q होता है। इसका मात्रक की हम बात करें, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। चलिएगा, और इसका मात्रक एक विमा बता दे रहे हैं, विमा भी लिख लीजिए, विमा, यहीं से आपका टिक मार्क प्रश्न ही बनेगा कि इसकी विमा क्या होती है, MLT-3A-1, ये इसकी विमा है, जल्दी से लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो गया, मात्रक ये हो गया, और विमा ये हो गई। और राशि की बात करें, राशि कैसी होती है, ये भैया सदिश राशि होती है, कैसी है, ये सदिश राशि है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, गॉस के नियम को लिखिए। गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के कुल आवेश, इस पृष्ठ के, इसका मान लीजिए ये पृष्ठ है तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश है, हमने कुछ काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। गॉस ने एक बात कही थी कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, तो ये बंद पृष्ठ है तो इसका कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो हमने मान लिया इसका कुल आवेश कितना है, इसका कुल आवेश है Q, ठीक है, Q है,
ठीक। तो गौस भाई साहब ने क्या कही थी, गौस ने ये कही थी किसी बंद पृष्ठ का कुल आवेश, ठीक है, तो उसका यानी कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या कही है, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन 0 गुना होता है। जैसे बोलते हैं ना, 5 गुना करते हैं तो 5x, यानी कि x को 4 गुना करेंगे तो 4 गुना x कह देंगे। ऐसे में कह रहा हूँ 1/ एप्सिलॉन 0 गुना, तो मतलब 1/ एप्सिलॉन 0 गुना ये, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये आ गया, या हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे q/ एप्सिलॉन 0, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका राइट, एक मिनट। हेलो, हाँ कहो। हाँ आ रहा हूँ, अभी आऊँगा मैं, जब गाड़ी आ जाएगी तभी आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को करते हैं, ठीक। चलिए, अब अगला प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न को, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जल्द। अब थोड़ा सा हमें क्या है, हमें कहीं जाना है, तो अरे यार जल्दी से देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय जिसमें एक माइनस और एक प्लस क्यू कूलाम होता है और जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है, ठीक है। तो इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी, या तो माइनस वाला या प्लस वाला, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र इसका क्या बनेगा, पी बराबर क्यू इंटू 2L बन गया, ठीक है। इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक देखिए ये क्या है, क्यू क्यू का मात्रक कूलाम और लंबाई दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, कूलाम मीटर है। विमा इसकी विमा क्या बन जाएगी, LTA, विमा क्या बन गई, LTA बन गई, ठीक है। चलिएगा, और ये वैद्युत फ्लक्स देख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैद्युत फ्लक्स, किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी तो यार इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चलो जल्दी जल्दी बस एक ही कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें जाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, इसने क्या कहा, वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, देखिए कोई वैद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से जितनी लंबवत रेखाएं गुजर रही होंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत